हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ गोदरेज कंपनी के 190 लीटर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं गोदरेज कंपनी के एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इस फ्रिज का मॉडल और इसकी कैपेसिटी है 190 लीटर्स की। इसकी डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है और ये 150 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। नेट वेट है 34 केजी की एंड 230 वोल्ट की ज़रूरत होती है इस फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए। एंड इसकी एमआरपी है 17,450 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। गोदरेज एच की एक स्टिकर देख सकते हैं क्योंकि ये इस सीरीज की रेफ्रिजरेटर है और साथ में देखी जा सकती है इसकी स्टार रेटिंग एंड कुछ अदर डिटेल्स। इस फ्रिज में मिलती है हमें 1 ईयर की वारंटी और इसके कंप्रेसर में मिलती है हमें 10 ईयर्स की वारंटी। इसमें यूज़ किया गया इन्वर्टर कंप्रेसर। ये फ्रिज स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन प्रोवाइड करती है। आपके यहाँ वोल्टेज की फ्लक्चुएशन 110 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट्स की है और यहाँ पर देखी जा सकती है इसकी हैंडल। आइए अब इस फ्रिज को सारे साइड से क्लोजली देख लेते हैं। बैक साइड के बॉटम में देख सकते हैं एक ड्रिप ट्रे है और उसके नीचे फ्रिज का कंप्रेसर लगाया गया है। आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को। ये इस फ्रिज को ओपन करने के बाद इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इंप्रेशन। फ्रिज के आउटसाइड प्रोवाइड किया गया इसका टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टेम्परेचर सेटिंग के बारे में बताया गया कि कौन से सीजन में किस तरह की टेम्परेचर सेट करनी है। इस तरह से मूव करके टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है। एंड डिफ्रॉस्ट करने के लिए हमें सेंटर वाली बटन को प्रेस करना होगा। एक्सेस आइस को निकालने के लिए फ्रीजर से कभी भी आप शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ ना करें, डिफ्रॉस्ट कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्रीजर सेक्शन को, एक छोटी सी फ्रीजर प्रोवाइड की गई है और कुछ इस तरह से इसके डोर को ओपन एंड लॉक किया जा सकता है। और यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि टेम्परेचर की सेटिंग कैसे करनी है और कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। फ्रीजर से एक्सेस आइस को निकालने के लिए हमें कभी भी चाकू या फोक वगैरह का यूज़ नहीं करना है और हमेशा बाहर टेम्परेचर कंट्रोलर के सेंटर में दी गई डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ करना है। डिफ्रॉस्ट करने के लिए एक बार बटन को प्रेस कर दें, बटन पुश हो जाएगी और जब भी डिफ्रॉस्ट प्रोसेस कम्प्लीट होगी बटन ऑटो रिलीज होकर अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगी। फ्रीजर के नीचे प्रोवाइड किया गया है चिलर ट्रे और चिलर ट्रे को कुछ इस तरह से पुल करके बाहर निकाला जा सकता है। चिलर ट्रे में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं और ये प्लास्टिक की बनी हुई मटेरियल है।
एक्सेस लिक्विड को निकलने के लिए चिलर ट्रे में एक होल दी गई है और इस होल से होते हुए बाहर ड्रिप ट्रे में सारी लिक्विड स्टोर हो जाती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं दो शेल्फ प्रोवाइड किया गया है। शेल्फ को कुछ इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं। ग्लास की बनी हुई शेल्फ है और इसकी साइड में प्लास्टिक को यूज़ किया गया है। बॉटम साइड में वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शेल्फ दी गई है एंड इसमें एक स्विच दिया गया है मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए। हनी कॉम्ब पैटर्न है। और ये इसका वेजिटेबल बॉक्स। और ये इस फ्रिज की डोर साइड और यहाँ पे मल्टीपल रैक्स दिए गए हैं। वाटर बॉटल्स को रखने के लिए बड़ी रैक एंड छोटी रैक भी दी गई है जिसमें बड़ी बॉटल्स एंड छोटी बॉटल्स को आसानी से रखा जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग एंड लेमन को रखने के लिए एक छोटा सा रैक दिया गया है और साथ में दी गई है एक आइस ट्रे फ्रीजर में यूज़ करने के लिए। साथ में मिलती है एक लॉक की जिसकी मदद से फ्रिज को लॉक एंड अनलॉक किया जा सकता है। और ये इस फ्रिज का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्रिज को यूज़ करने से पहले आप यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये हेल्प करेगी फ्रिज की डिटेल्स को जानने में, इसे कैसे ऑपरेट करना है और कैसे मेंटेन रखना है, वो सारी डिटेल्स दी गई है। वारंटी पेपर पे डीलर की सिग्नेचर और डिटेल्स जरूर फिल करवा लें और ये हेल्प करेगी फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। फ्रेंड्स, ये थी गोदरेज कंपनी के 190 लीटर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की डिटेल्स और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी गोदरेज कंपनी के एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।